सोनपुर विधायक तथा अर्थमंत्री निरंजन पुजारी एक ही व्यवहार अंचल कपा चाषी समस्या कथा पचारे फेरार सोनपुर सूताकल बंद जगू शह शह लोक हर रोजगार कपा बिक्री कर पारि सोनपुर चाषी होभावी बिक्रीर शिकार सोनपुर सभा टेक्सटाइल मिल प्रसंगे साहा कर आक्रमण बीजेपी सरकार को आसिले सोनपुर रे टेक्सटाइल मिल हेब स्थापन साहा प्रतिश्रुति पर सोनपुरवासी मध्य जगी आशा 25 वर्षर सरकार अपारगतारु कपा चाषी बढ़ी दुर्दशा ये राज्यर अर्थमंत्री निरंजन पुजारी सुवर्णपुर जिलारु गत 25 वर्ष धरी विधानसभा को प्रतिनिधित्व करी आसुछंती तीन थर नवीन सरकार रे मंत्री बनी 25 वर्ष रे निज अंचल रे गोटे हेले नुआ शिल्प त प्रतिष्ठा करि पारिलेनी बरम जिलार जो एकमात्र शिल्प सोनपुर सूताकल हजार हजार लोकंकु रोजगार देउथुला तहा एही महाशयंक अमल रे बंद होई गला सह सह श्रमिक रोजगार हराइले हजार हजार चासी कपा बिक्री करि न पारि अभावी बिक्रीर शिकार हेले कपा चासींकर एही समस्या नै मंत्री महाशयंकु पचारिबारु देखंतु किपरि मुह बुलाई पलाउछन् गत 25 तारीख रे सोनपुर को निर्वाचन प्रचार रे आसीथिबा केंद्र गृहमंत्री अमित शाह टेक्सटाइल बिल प्रसंग रे बीजेडी सरकार को घेरिथिले आ प्रतिश्रुति देथिले बीजेपी ओडिसा रे सरकार गढ़िले सोनपुर रे प्रतिष्ठा हेबो टेक्सटाइल मिल यहाँ पर स्थानीय लोकों मध्य नुआ आशा संचार होई कपास की टेक्सटाइल मिल भी कहीं और ले गए मैं तीन बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में सरकार बनाई है यहीं पर हम एक टेक्सटाइल मिल बनाकर हमारे कपास के किसानों का कल्याण गुड़े शुभंकर सूचना गत 25 तारीख रे मान्यवर गृहमंत्री आसिक जेन भाई भाव में गोटे बृति देन जे जदि बीजेपी सरकार आसे ताले निश्चित भाव से गोटे स्पिनिंग मिल करबे केवल सुवर्णपुर नुहे पड़ोसी बलांगीर जिलार पटनागढ़ और कंटाबांजी अंचल व्यापक कपा चाष हो अंचल उत्पादित कपार चाहिदा विश्वस्तरीय से स्थानीय लोके धला सुना कहते राज्य सरकार के तथ्य अनुजाई सुवर्णपुर जिले में 2023-24 वर्ष में 62,300 हेक्टर जमीन में कपा चाष पर टारगेट था तेरे 71,000 हेक्टर में चाष होता अमल होता 8,15,000 क्विंटाल कपा तेरे यार परिमाण बेसरकारी भाव ढेर अधिक किंतु जिले में कौन शिल्प नथिबारु चाषी होती अभावी बिक्री शिकार इरिगेशन रो कौन सी डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पार नहीं गोटे शिल्पपुंज करार एग्रो इंडस्ट्री होगा कथा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा कथा पर्याप्त स्कोप रही किंतु से क्षेत्र में आम जापर आम एथर चाषी मैंने भावुचे परिवर्तन करमु कहीं कि जड़े जन को कही कही कि नाइस नुआ बोले आम आर क्या करमु आम निहाती आम तार जी कंटेस्टेड थी विरोधी थे आम आम इन कम से कम आम एमएलएटा बदलेदे कि एमपीटा बदलेदे आम दुख भाल लाघव हो जाए से चेष्टा करमु आम चाषी भाई मैंने गोटे प्रकार संगठित होकर सोनपुर टेक्सटाइल शिल्पर आवश्यकता थिबा बेले राज्य सरकार अन्य जिले में शिल्प प्रतिष्ठा करुछंती गत जनवरी 3 तारीख लोअर सुक्तेल प्रकल्प उद्घाटन समारोह रे बीजेपी विधायक मुकेश महालिंग मुख्यमंत्री को उपस्थिति रे प्रश्न उठाई थिले बलांगीर जिले रे कपा पाखापाखी 6 लाख बेल उत्पादन होउछे आउ माननीय मुख्यमंत्री शिल्प मंत्री विधानसभा उत्तर रखी जे केभे भी जदि आमे टेक्सटाइल मिल टेक्सटाइल पार्क करमु बेले बलांगीर किंबा कलाहांडी रे करमु तो तांकर रक्षा करी मुई आज घोष मुई अनुरोध करमी माननीय मुख्यमंत्री को जे से बलांगीर किंबा कलाहांडी रे गुटे टेक्सटाइल रो पार्क घोषणा करबे सोनपुर विधानसभा सूची बलांगीर लोकसभा क्षेत्र मध्य रे आउ सेही बलांगीर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आउ एक विधानसभा आसन कंटाबांजीरु एथर निर्वाचन लड़िबे मुख्यमंत्री कपा चाषी समस्या समाधान रे विफल 25 वर्षर सरकार को जवाब देबा को प्रस्तुत ए अंचल रा कपा चाषी इने आमे कपा चाष जेते परिमाण रे करूछु
କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆମକୁ କପା ଚାଷ ନିମ୍ନମାନର ରେଟ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କପା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହେରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁଁ। ଏତ୍କି ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ କପା ମିଳିନି, କିଛି ନେଇ, କୁହି ଯାଉଛି, ବିଲି ଯାଉଛି, ଯଦି କପା ଉଠାବାର ନାହିଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ଆର୍ କପାତ ବସି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ସରକାର ମିଜ୍ କହୁଛେ ନାଇଁ ଦେବାର ଆମକେ, ଆମେ ପହିଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କହିଦେଉ କେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ଅଛୁଁ। ଆରୁ ଏଇଠି କିଛି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, କପାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଧଳା ସୁନା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବି କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲୁ, କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା କାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଦାଦନ ପ୍ରବଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ସୁରଟର ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାରଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୋନପୁରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଛି ନୂଆ ଆଶା, ଆଉ 25 ବର୍ଷର ପ୍ରତାରଣାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ମନସ୍ଥ। ସୋନପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଓ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।